एक्टर अमित पुरोहित का निधन, अदिति राव हैदरी समेत इन सेलेब्स ने जताया दुख। अभिनेता अमित पुरोहित का निधन हो गया है। बागी फिल्म के अभिनेता सुधीर बाबू ने इस दुखद खबर को उनके फैंस से साझा किया। अमित के निधन की वजह का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। वह बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये दुखद खबर पता लगी, फैंस ने अपनी संवेदनाएं देनी शुरू कर दी। अभिनेता अमित पुरोहित आखिरी बार तेलुगु फिल्म सम्मोहनम में नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने अदिति राव हैदरी के साथ स्क्रीन शेयर किया। अदिति ने भी ट्वीट कर इस खबर पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, अमित पुरोहित के परिवार के लिए शांति की प्रार्थना। एक दयालु और मेहनती इंसान जल्द ही चला गया। फिल्म में अपनी अमूल्य उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद। वहीं अभिनेता सुधीर बाबू ने अमित को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, अमित पुरोहित के अचानक निधन से स्तब्ध हूँ। सम्मोहनम में अमित मल्होत्रा ने समीरा के पूर्व प्रेमी की भूमिका निभाई थी। बहुत ही मिलनसार लड़का और हमेशा हर शॉट के लिए 100% देता था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सम्मोहनम के निर्देशक मोहन कृष्ण इंद्रक्ति ने भी ट्विटर पर लिखा, मैं इस खबर पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। अमित पुरोहित एक सज्जन, अच्छे व्यवहार वाले और बेहद प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक थे जिनके साथ मैंने काम किया है और एक उदार व्यक्ति था। अमित, मैं तुम्हें याद करूंगा। मैं जल्द ही आपको फिर से कास्ट करने के बारे में सोच रहा था। बता दें, अमित ने पंख, बिजुका, आलाप आदि फिल्मों में अभिनय किया था।